क्रेटोस अब अपने इसका बदला लेगा और ये कूद के दिखाएगा कि ये कहाँ तक जा सकता है। ये आने के बाद अब इसके शागिर्दों से ये लड़ेगा। और ये देखिए, ये सबसे बड़ा वाला राक्षस को ना मारने में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। छोटे मोटे तो ऐसे भी मर जाते हैं। और ये सिर्फ फायर से सुन रहा है, नॉर्मल से तो ये मरेगा भी नहीं। ये इसका स्ट्रेंथ अच्छा है, नहीं तो अभी तक तो ये मर जाता। अरे एक नहीं, दूसरा भी आ गया। दो दो को कैसे एक साथ संभाला जाए, ये तो दिक्कत वाली बात हो गई। लेकिन कोई नहीं, हम फिर भी मारने की कोशिश करेंगे। शायद इस बार ये मर जाए। हाँ, एक तो मर गया, एक बचा हुआ है। अब इसे मारना है। चल जा। अरे रे, गया। ये ना सबसे बड़ा डिमेरिट है इस गेम का, एक बार क्रेटोस भी पकड़ा जाता है ना तो क्रेटोस को भी उठा के फेंक देते हैं। ये आगे बढ़ना पड़ेगा सभी को पकड़ के ना। सबसे ज्यादा तंग तो यही कर रहे हैं। देखा ना, मैं छोटा लगे घाव करे गंभीर। इसे तो किसी तरीके से तो अभी ही मारना पड़ेगा। ये भी खत्म। अब लॉक भी हट गया, तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या क्या है। इसे हम ले सकते हैं क्या? नहीं, मुझे लग रहा है ये परमानेंटली ब्लॉक्ड है। इस पर हम हथौड़े भी नहीं मार सकते, ब्लेड्स तो चल ही नहीं रही इसके ऊपर। हमें लगता है शायद इसी साइड जाना पड़े हमें। क्रेट ओपन करके देखते हैं इसमें क्या है।